Now we are going to discuss किंगडम फंजाए एंड यू नो दैट जो ये फंजाए का किंगडम है बहुत ही यूनिक सा हेटरोट्रॉफिक काइंड ऑफ किंगडम है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर फॉर देयर फूड बेसिकली सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मोड रहता है इनका और यूकैरियोटिक हैं दैट मीन्स कि इनके जो सेल्स हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं और मल्टी सेलुलर एक यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर है अदरवाइज नॉर्मली दे आर मल्टी सेलुलर और किंगडम फंजाई के जो बेसिकली जो फंगस है ये कॉस्मोपॉलिटन कैटेगरी है अब ये कहीं पे भी पाया जा सकता है एयर में वाटर में सॉयल में प्लांट्स में एनिमल्स में तो हम इसे कह देते हैं कि विच इज़ अवेलेबल कैन बी सीन फाउंड एवरीवेयर दैट इज वाई वी से इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म और किंगडम और ये मेनली इसको वार्म और ह्यूमिड जो है एनवायरमेंट उसकी रिक्वायरमेंट रहती है फॉर ग्रोथ तो जैसे नॉर्मली आप देखो कि कब आपने देखा ही होगा फंगस लग जाए ब्रेड के ऊपर लग जाती है ऑरेंजेस है कई बार वो काले काले हो जाते हैं उनके ऊपर फंगस आ जाती है ग्रेप्स हैं उनके ऊपर आ जाती है तो बहुत सारे इस तरह से आप देखते हो इवन फंगस का तो ये है कि लेदर है क्लोज है फिश लेदर क्लोज के ऊपर या जैकेट्स वगैरह पे आप देखो अगर पड़े रहेंगे वो एक जगह पे तो कई बार आप नहीं उसको काफी टाइम तक छोड़ो वहाँ उस पर भी आ जाएगा अगर वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर वो है शूज पे आ जाती है तो इट इट कैन ग्रो एनी वेयर ठीक है तो नॉर्मली जो है ये फंगस जो होती है ये फिलामेंटस होते हैं इनके अंदर लॉन्ग स्लेंडर लाइक थ्रेड्स होते हैं जिनको हाइफी बोलते हैं और इनका जब नेटवर्क बनता है हाइफी का तो उसको हम कहते हैं माइसीलियम ये टर्म्स हैं जो आपने ध्यान रखनी है हाइफी इज लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और उन्हीं का जो एक ग्रुप है एक नेटवर्क जब बन जाता है माइसीलियम और दिस कैन हैव द क्रॉस वॉल्स बिटवीन देम देन इफ दे हैव द क्रॉस वॉल्स दे आर नोन एज सेप्टेट एंड इफ दे डू नॉट हैव देन दे आर नोन एज नॉन सेप्टेट और एसेप्टेट और इनके अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म रहता है जिस कंडीशन में हम हाइफी को कहते हैं सीनोसाइटिक हाइफी तो ये कुछ टर्म्स हैं विच शुड बी नोइंग दे कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव्स देन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जब हम पहले बात कर रहे थे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों फेल हुआ जो दिया था लिनियस ने तो उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी लेके चले थे कि सेल वॉल्स के क्राइटेरिया को तब निग्लेक्ट किया गया था क्योंकि अब देखो यहाँ एक है कि फंगस जो है और प्लांट्स हैं वो एक ही ग्रुप में पहले माने गए थे एक ही किंगडम उनका बनाया गया था लेकिन प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज जबकि फंगस की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन काइटिन चिटिन आप इसको कुछ भी कह सकते हो और ये लर्न करना है बिकॉज दिस इज अगेन अ फेवरेट क्वेश्चन देन पैरासिटिक होते हैं सिम्बायंट्स होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको पता है कि किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ जब इनकी रिलेशनशिप होती है और ये दोनों एक दूसरे को इक्वली हेल्प करते हैं तो हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं तो लिचेंस के अंदर जो फंगस है वो इट इज़ इन रिलेशनशिप विद एल्गी और ये उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और एल्गी इनको फिर फूड बनाकर देते हैं वहीं दूसरी तरफ जो पाइन ट्रीज हैं उनके साथ फंगस का एक ग्लोमस स्पीशीज है उसका एसोसिएशन रहता है एज माइकोराइजा और ये भी वहाँ पर फास्फोरस देने में हेल्प करते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स देने में डिजीज जो रूट्स के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट इंसेक्ट्स तो वहाँ पे इनका ये काम रहता है अगेन दे आर गेटिंग द शेल्टर एंड द फूड फ्रॉम दैट तो नेक्स्ट हम जो बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन का जो मोड है इनका वो रिप्रोडक्शन इनका अलग अलग ढंग से हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन से फ्यूजन से और बडिंग से हमने देखा यीस्ट है उसमें एक बड ग्रो कर जाती है वो डेवलप होती है बड़ी होती है और उसके बाद फिर वो डिटैच हो जाती है मेन बॉडी से और वो अगेन इट डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल इसमें फिजन रहता है एक मोड और फ्रेगमेंटेशन होता है तो ये सारे वेजिटेटिव मोड्स हैं देन यू हैव ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज बाय ओस्पोर्स एस्कोस्पोर्स एंड बेसिड्यू स्पोर्स इनके अंदर ये जो है ए सेक्शुअल रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो इनका मेथड है उसमें ये फॉलोइंग स्टेप्स आर बीइंग
अंडरटेकन प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी है मतलब कि उनके जो प्रोटोप्लास्ट हैं। अब अगर प्रोटोप्लाज्म को आप देखा जाए तो हमने पढ़ा था क्लास 9 में भी कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर रहता है सेल का, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो उनका फ्यूजन होता है तो बिटवीन द टू मोटाइल एंड नॉन और नॉन मोटाइल गैमेट्स, तो उसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। अगर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। कैरियन जो है वो न्यूक्लियस को कहा जाता है, तो उसमें द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर मियोसिस इन जायगोट रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड स्पोर्स डाइकैरियन। तो अब ये क्या होता है, डाइकैरियोटिक फेज क्या होता है कि जब दोनों जो हैं उनके गैमेट साथ में आ गए हैं और वो दे स्टे इन दैट स्टेज। अब जो जायगोट है वो 2N होता है। अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स का, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो हम कहते हैं हमारी हम वो सेल की डिप्लॉयड स्टेज है कि उसमें 46, दैट मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, दैट इज अ डिप्लॉयड स्टेज, 2N उसको कहा जाता है। फिर जब वो गेमीट्स में डिवाइड होते हैं तो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं तो उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स चले जाते हैं और दैट स्टेज इज कॉल्ड एज हैप्लॉयड और एंड स्टेज। तो यही चीज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं वो डाइकैरियन स्टेज है, दैट मीन्स टू हैप्लॉयड गेमीट्स वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, तो वो जायगोट नहीं बनता है उस टाइम तक। उस टाइम को हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज, जिसमें दो हैप्लॉयड स्पोर्स इकट्ठे रहते हैं। तो इसके अंदर जो है स्पेशली जो देखा जाए एस्कोमाइसीट्स और डेसिडियोमाइसीट्स हैं, इसमें ये स्टेज देखी जाती है। और बाद में लेकिन जो पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज कर जाते हैं और इनके फ्यूज करने से सेल जो है वो डिप्लॉयड बन जाता है, बट दिस स्टेज डाइकैरियन स्टेज इज प्रेजेंट देयर। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, देयर आर 4 क्लासेस। तो ये क्राइटेरिया है सारा जो किंगडम फंजाई को क्लासेस के अंदर डिवाइड करने का, दैट इज कि क्या उनकी एक्सटर्नल अपेयरेंस है माइसीलियम की, क्या उनका स्पोर फॉर्मेशन का मोड है, क्या उनकी फ्रूटिंग बॉडीज है, और इस हिसाब से हम इनको फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, ड्यूट्रोमाइसीट्स इन 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करके। जो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड, और जो इनका बेसिकली ये जो मॉइस्ट डैम प्लेसेस होते हैं वहाँ पे, हमने पहले ही बात की है कि ये तो फंगस जो है वहीं ग्रो करता है और फाइकोमाइसीट्स भी वहीं ग्रो करते हैं। दे आर प्रेजेंट एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। तो अब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं, दे आर द ऑर्गेनिजम्स जो उनका जो बताए होलो पैरासाइट भी कह सकते हो कि ये होस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, ये इंडिविजुअली दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट सर्वाइव। सो दे आर होली सोली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, उनका पूरा लाइफ साइकिल ही उस पर डिपेंड करते हैं। माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक, जो हमने अभी बात की, यानी कि उसके अंदर बीच में कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी और वो उसके अंदर दैट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो जूस्पोर्स से होता है, इनके विच आर मोटाइल, एंड बाय ए प्लैनोस्पोर्स विच आर नॉन मोटाइल। और इनके अंदर ये जो स्पोर्स है बेसिकली ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये स्पोरेंजियम के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। जायगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स एंड द गैमेट्स आर सिमिलर। अगर वो गैमेट्स सिमिलर हैं तो उसको हम बोलते हैं आइजोगैमस गैमेट्स, अगर वो डिससिमिलर हैं तो ऊगैमस या एनिजोगैमस गैमेट्स बोलते हैं उनको हम, राइट। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हो गया म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। और राइजोपस क्या होता है, जो ब्रेड के ऊपर मोल्ड आता है उसको राइजोपस कहते हैं। एल्ब्यूगो कौन सा होता है, जो मस्टर्ड के ऊपर, राई के ऊपर जो फंगस आता है उसको बोलते हैं एल्ब्यूगो, ठीक है। तो सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एस्कोमाइसीट्स, दीज आर द म्यूकर पिक्चर्स, राइजोपस विच इज ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूगो कैंडिडा। देन आई मूव ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज एस्कोमाइसीट्स। This is also called as sac fungi, and they are multicellular, as in the case of penicillium, and unicellular, as in the case of
यीस्ट, तो हमने बात की थी ना कि जो फंगस के अंदर सिर्फ यीस्ट है विच इज़ यूनिसेलुलर, बाकी सारे तो जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर ही होते हैं। तो इसमें माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं इसके अंदर कोनिडिया, जो कोनिडियल स्पोर्स के अंदर बनते हैं, और दीज आर सेप्रोफाइटिक, मेनली डिकम्पोजर्स रहते हैं और पैरासिटिक होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस जो होते हैं दे आर बेसिकली जो डंग के ऊपर, जो फिकल मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनको कहते हैं। और इनके जो ए सेक्शुअल बेसिकली जो स्पोर्स हैं कोनिडिया, वो एक्सोजिनसली बनते हैं स्पेशल माइसीलियम में, कोनिडियोफोर्स जिसको कहते हैं, और इनका जर्मिनेशन से ही माइसीलियम बनता है। तो सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन द सैक लाइक एस्की, एंड द एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज एस्कोपोर्स। और इनके जो एग्जाम्पल हैं एस्कोमाइसीट्स के, दे आर एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे है न्यूरोस्पोरा एग्जाम्पल है, देन वी हैव क्लेविसेप्स, तो ये उसके एग्जाम्पल रहे, और ये एस्परजिलस है जो यहाँ पे बना हुआ है। देन बेसिडियोमाइसीट्स जो इसका थर्ड क्लास है, दैट इज इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मशरूम, रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, और ये दिस कैन ग्रो इन द सॉयल, लॉग्स, ट्री स्टम्स, इन प्लांट बॉडीज एज पैरासिटिक, जैसे कि रस्ट और स्मट्स आपको उसका एग्जाम्पल है। माइसीलियम जो इनका रहता है दैट इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, और रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें आप देखोगे कि बेसिकली जो ये होते हैं बेसिडियोमाइसीट्स, इनका ए सेक्शुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमने बात की फ्रेगमेंटेशन से होती है। सेक्स ऑर्गन्स इसमें नहीं होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोकेमी होती है। प्लाज्मोकेमी जो अभी हमने स्टडी किया था, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप्स टेक प्लेस हियर, राइट। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकेरियन विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। और फिर कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियो स्पोर्स। द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम एंड द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प्स। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं अगेरिकस, उस्टिलेगो एंड उसी, तो वो एग्जाम्पल्स आपने करने हैं। आगे देखो, ये उस्टिलेगो है जो आप देख सकते हो फंगस, एंड दिस इज पुसीनिया। पुसीनिया के डिफरेंट आप देखो कैसे कैसे इनके रट्स हैं, रस्क जो हम बात कर रहे थे तो वो सब हैं। नेक्स्ट आई गो टू ड्यूट्रोमाइसीट्स। तो ड्यूट्रोमाइसीट्स को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको इम्परफेक्ट? क्योंकि ओनली ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेसेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। इसके अंदर जब सेक्शुअल फॉर्म्स बनते हैं तो इसको जो इसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे कोई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नजर आता है, टू अदर क्लासेस जैसे कि जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट ए सेक्शुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम, दैट इज दे आर प्लेस्ड अंडर ड्यूट्रोमाइसीट्स, एंड द सेक्शुअल स्टेज इज गिवन अनदर एंड दे आर प्लेस्ड अंडर द अनदर क्लास। ठीक है, जब इनमें लिंकेज एस्टैब्लिश हुई तो फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइसीट्स। तो ये बात समझते, तो इसीलिए इसको इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि जब तक वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जिन ऑर्गेनिजम्स की, वो इसमें रहेंगे, जैसे ही सेक्सुअल प्रोडक्शन नजर आएगी दे विल बी मूव टू अनदर क्लास। वंस परफेक्ट स्टेजेस ऑफ द परफेक्ट स्टेजेस यहाँ किसको बोल रहे हैं? सेक्सुअल को बोल रहे हैं। वंस द परफेक्ट स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसीट्स वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड टू एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स। तो जहाँ को भी वो बिलोंग करते थे वो वहाँ शिफ्ट हो गए। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। माइसीलियम इज इन दिस माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड।
They are saprophytic, parasitic, anti-composers and they help in the mineral cycling. तो ये तो हमको पता ही कि decomposers का काम होता है dead decayed matter को उनको decompose करके उनमें से minerals को release कर देते हैं और वो minerals जो है environment में वापस चले जाते हैं, इसी को mineral cycling बोलते हैं. तो इनके जो examples हैं they are trichoderma, alternaria and collectrichum. तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, दीज आर द ऑल्टरनेरिया के पिक्स हैं सारी की सारी, इस तरह से नज़र आता है. दिस इज़ कोलेटोट्राइकम के जो पिक्स हैं ये इधर आ गए नज़र, एंड दिस इज़ फाइनली ट्राइकोडर्मा. इनके जो आप देख सकते हो कि किस तरह से इन इमेजेस के अंदर ट्राइकोडर्मा नज़र आते हैं. सो विद दिस आई एंड, और मेरा ये सजेशन है कि यू शुड मेक अ टैबल इन टैबुलर फॉर्म, यू शुड राइट ऑल द फोर क्लासेस और उनको फिर आप उसको स्टडी कर लो. तो मेनली आपको पता चलेगा इसके अंदर कि उनकी माइसीलियम का क्या स्ट्रक्चर है, उनका रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, उनका हैबिटेट क्या है और उनके जो बेसिकली आप एग्जाम्पल्स. तो ये कुछ तीन चार पॉइंट हैं जिनको लेकर आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या कंपेयर कर सकते हो चारों क्लासेस को. Then we talk about the kingdom plantae. अब kingdom plantae जो होते हैं autotrophs जितने भी हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको इसके अंदर classify किया गया और उनके size के basis पे उनको herbs, shrubs और tall trees के अंदर classify कर दिया. और इनमें जो groups आ रहे हैं they are algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperms. तो ये पांच डिवीजन हैं किंगडम प्लांटे के जिनको हम डिटेल में स्टडी पर करेंगे अगले चैप्टर के अंदर. और एंजियोस्पर्म्स के अंदर इन्होंने मेंशन किया है मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स होते हैं जो विच आर बेस्ड ऑन द सीड लीफ विच वी विल टॉक अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर. किंगडम एनिमलिया जो है जितने भी एनिमल्स हैं किंगडम जो भी इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन मोनेरा और प्रोटेस्टा और फंजाई दे बिलोंग टू एनिमलिया. तो ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ये दे आर लोकोमोटरी दैट मीन्स दे शो लोकोमोशन, दे गेट डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक है एंड दे आर ऑल्सो कॉस्मोपोलिटन्स दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, एयर में, वाटर में, हर जगह पे, लैंड पे दे आर फाउंड. It consists of two sub-kingdoms, invertebrata with 9 phylum and phylum vertebrata with 5 classes, जिसको हम chordate कहते हैं. तो ये भी हम अगले एक अलग से chapter में पढ़ेंगे. What we are going to discuss right now is about virus. जो Pasteur coined the term virus, which means venom or poison. It is made of an अभी का structure क्या है virus का? It is made up of outer protein coat, जो आप यहाँ देख सकते हो, जिसको हमने capsid कहा है, और ये अंदर है. इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, वो आरएनए हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल जो इसके कोर में प्रेजेंट रहता है, या डीएनए हो सकता है. तो हम कह सकते हैं कि जो वायरस है दैट इज़ ए न्यूक्लियो प्रोटीन, और इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है आरएनए या डीएनए दैट इज़ इन्फेक्शियस. जो वायरस प्लांट्स को अफेक्ट करता है दैट वायरस इज हैव दैट वायरस हैज़ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल और डबल आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है. बैक्टीरियोफेजेस आर वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स. इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, ज्वाफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. तो ये सारे डिजीज जो हैं वो प्लांट्स के और एनिमल्स के वायरस की वजह से होते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि वायरस जो है वो ए सेलुलर है, उसका कोई सेलुलर बॉडी नहीं है उसके पास, तो इस वजह से वो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता. अगर वो इन्फेक्शियस है तो ऑब्वियसली उसको किल करने का कोई तरीका नहीं है, विच वी कैन वी वेरी वेल अंडरस्टैंड इन द प्रेजेंट टाइम कोविड टाइम, क्योंकि कितना इश्यूज जो आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं. जो वायरस होता है दैट टेक्स अप द यूजेस द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, और अपनी उसकी कोई एंटिटी नहीं है. तो आउटसाइड द बॉडी इट इज़ नॉन लिविंग, इनसाइड द बॉडी इट इज़ लिविंग, इसको हम बॉर्डर केस कहते हैं. देन वी मूव ऑन टू विरॉयड्स. टीओ डायनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वॉज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. इट हैज़ ओनली अ फ्री आरएनए एंड लैक द प्रोटीन कोट, सो नेम्ड एज विरॉयड.
तो ये एक और वायरस से भी कह लो कि एक छोटा वो आया है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी नहीं है, ये सिर्फ एक फ्री आरएनए है लेकिन इन्फेक्शस है। लाइचेंस जो होते हैं, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगस विद एल्गी। तो ये जो है इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छा जो है हम कहते हैं इसको कि पॉल्यूशन इंडिकेटर रहता है, और अगर हम इसको देखते हैं तो जो ये लाइचन होते हैं यू कैन नॉट मेक आउट कि दो चीज़ों से बना है, ऐसे लगता है एक ही एंटिटी है, लेकिन इसका जो फाइकोबायंट पार्ट है दैट इज एल्किल कॉम्पोनेंट, ये फूड बनाता है, फंगस को प्रोवाइड करता है, और जो माइकोबायंट पार्ट दैट इज द फंगल कंपोनेंट, इट प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इस रिलेशनशिप को, इस एसोसिएशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा गया है।